नमस्ते, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 6 अक्टूबर 2019 है। 6 अक्टूबर 2019 की बड़ी खबरें क्या है? आज महाअष्टमी है। महाअष्टमी को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है और दुर्गा माता की पूजा चल रही है। राजधानी पटना में हुए जल जमाव और कई जिलों में बाढ़ की स्थिति के बाद दोनों ही सहयोगी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। जहां गिरिराज सिंह सीएम नीतीश कुमार पर लगातार तंज कस रहे हैं, तो वहीं केसी त्यागी ने भी इसे पलटवार किया है। इस मसले पर केसी त्यागी ने कहा कि एनडीए के रिश्ते को खतरे में लाया जा रहा है। बिहार के पटना जिले के बाढ़ में पुनपुन नदी का रिंग बांध टूट गया। टूटे बांध की लंबाई कम से कम 60 फीट बताई जा रही है। टूटे बांध से जलधारा भी तेज बहने लगी है। कई गाँव में पानी प्रवेश कर गया है। पटना में बाढ़ का सीधा प्रभाव जनजीवन पर पड़ा है, लेकिन इसके साथ ही अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ा है। अब वह बात भी सामने आ गई है जिसके तहत कम से कम 50,000 गाड़ियों के खराब होने की खबर है। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे बिहार को केंद्र ने 613 करोड़ की राशि सहायता देने के लिए मंजूर कर दी है। इस बीच बिहार में केंद्रीय टीम ने बाढ़ से क्षति का जायजा लिया। बिहार के 534 प्रखंडों में स्टेडियम बनाने की योजना है। इसके तहत पहले चरण में राज्य के विभिन्न जिलों के 18 प्रखंडों में फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे। मोतिहारी जिले के नोन फोड़वा पंचायत के धंगटोला में शराब कारोबारी महिला को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने धावा बोलकर हमला कर दिया। इसमें थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। मधेपुरा जिला के मुरलीगंज अंचल के सीओ को बाढ़ पीड़ितों ने बंधक बना लिया और गमछा पहनाकर क्षेत्र भ्रमण कराया। बाढ़ पीड़ित पिछले 6 दिनों से किसी अधिकारी के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ इसी तरह की बात पिछले दिनों पूर्णिया जिले के रुपोली प्रखंड के सीओ के साथ हुई। वहां कोयली सिमरा पश्चिम पंचायत में सीओ को बंधक बना लिया गया था और वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। सरकारी विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतन निर्धारण 2 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही होगा। उक्त निर्णय का आदेश जारी कर दिया गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार के अररिया जिले में एक साथ 5 बच्चियों गेरुआ धार में डूब गई। इनमें से 4 को निकाल लिया गया है, जबकि 1 बच्ची नहीं मिली। सभी अपने खेत की ओर खाना पहुंचाने जा रही थी। अररिया में डायरिया ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। जिले में छपनिया लड़िया टोला में 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे मुन्ना ऋषि की पुत्रियां हैं। उनका 1 बच्चा भी बीमार है। बिहार में नियोजित 4.5 लाख शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। अब इन नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। इन्हें अब तक ईपीएफ का लाभ नहीं मिल रहा था। पटना के देघा थाना क्षेत्र के रामजीचक में एक युवक को दोस्त ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम रवि कुमार बताया गया। वह जहाज घाट का निवासी था। अपने दादा के साथ बाइक पर सवार एक देवस्थान से दूध की पूजा कर लौट रहे दादा पोते को ट्रक ने रौंद दिया। इस घटना में दोनों दादा पोता की मौत हो गई। घटना सुल्तानगंज के असरगंज शाहकुंड मार्ग पर घटी बताई जाती है। मृतक नया गांव पंचायत का रहने वाला था। पटना की तरफ भागलपुर में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मायागंज अस्पताल में डेंगू के 11 नए मरीज आने से लोगों में डेंगू का डर समा गया है। मुजफ्फरपुर के कांटे थाना क्षेत्र में एक पति ने चाकू से अपनी पत्नी के ऊपर वार कर दिया। बाद में पति ने भी अपने गला को काट लिया। दोनों के बीच पारिवारिक विवाद था। दोनों का इलाज चल रहा है। हथियारबंद अपराधियों ने मुजफ्फरपुर में ICICI बैंक से 8 लाख रुपए लूट लिया। इससे बैंक कर्मियों में हड़कंप मच गया है। यह घटना गोबरशाही की है। मुजफ्फरपुर के सिपाहपुर गांव के पास एक कंपाउंडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम शैलेंद्र सिंह बताया गया। वह मैठी गांव का निवासी था। मुजफ्फरपुर के हियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट पर अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर एक बैंक कर्मी की बाइक छीन ली। घरेलू गैस में रिसाव के कारण एक घर में आग लग गई और सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया। घटना सिवान जिले के स्टेशन रोड के पास की है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गया जिले के हाउसिंग बोर्ड में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के घर से चोरी हो गई। घर बंद था। इस बीच आपको बता दें कि गंगा और पुनपुन के जलस्तर में लगातार गिरावट आने की खबर आ रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर SSB के जवानों ने 5 क्विंटल खैनी जब्त किया। कारोबारी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए। खैनी भारत से नेपाल ले जाया जा रहा था। पूर्णिया शहर के एक बंद घर से चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। पीड़ित कृत्यानंद नगर में मुखिया हैं। शहर में भी उनका घर है। ये थी बिहार की 21 बड़ी खबरें। खबरें कैसी लगी? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर हमारा वीडियो आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें।